ठीक है, वेलकम बैक टू माई न्यू अदर ब्लॉग। और गाइज, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अभी भुज में यहाँ पे ये आईना मॉल पहुँच गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये गेट है, आईना मॉल का गेट है। तो यहाँ पे आ गए हैं और अभी चलेंगे अंदर और अंदर से दिखाएंगे आपको इस आईना मॉल जो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ भुज में। तो चलिए हम अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो बस आप बने रहे मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं गाइज आज का ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पे ये बहुत पुरानी ये गेट दिख रही होगी और ये सामने जो मेन गेट है वहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे से आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये गेट है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से रास्ते हैं और ये मेन गेट है जहाँ से हम इन कर रहे हैं। और इन करने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है गाइज, देखिए ये कितना खूबसूरत और भव्य दिखाई दे रहा। तो काफ़ी पॉपुलर है ये यहाँ में, और देखिए यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। तो एक बार यहाँ से चारों तरफ देख लेते हैं, 360 डिग्री व्यू से एक नज़र डालते हैं। गाड़ी के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था है उधर। अगर आप फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर या टू व्हीलर जो कुछ भी आप लेकर आते हैं तो आप वहाँ पे जाके पार्क कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठने की भी व्यवस्था है। और चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसको नज़दीक से और सामने से एक नज़र डालते हैं। वैसे आप देख सकते हैं बहुत से लोग आए हुए हैं और फोटोग्राफी तो जम के हो रही है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए काफ़ी परफेक्ट जगह है। ये पुरानी खंडहर हो चुकी है ये बिल्डिंग, आप देख सकते हैं। और फिलहाल ये आप देखिए, प्राग महा लिखा हुआ कुछ कच्छ। तो गाइस नो डाउट अमेजिंग लग रहा है बहुत ही। प्रवेश का समय जो है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए ये टाइमिंग है मॉर्निंग 9 to 6 इवनिंग। टू व्हीलर 10 रुपीज़, थ्री व्हीलर 10 रुपीज़, फोर व्हीलर 40 एंड MMB 50 रुपीज़। और यहाँ पे ये डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं। और अभी भी देखिए यहाँ पे आपको कुछ सामान भी मिल जाएंगे, यहाँ पर जैसे स्पेक्टिकल्स वगैरह बिक रहे हैं और इधर पानी वगैरह भी मिल जाएंगे, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आपको यहाँ से अवेलेबल मिलेंगे। प्रागमहल प्लेस आगे चलेंगे और उसका टाइमिंग देखेंगे। यहाँ पर देखिए गाइस कच्ची फोटो पॉइंट यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो फिलहाल गाइस अभी ये प्रागमहल जो आप देख रहे थे ये एक्चुअली प्रागमहल है। मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी बट आगे अभी जैसे यहाँ पता चल गया। और यहाँ पे इसका आप टाइमिंग देख सकते हैं, ये टिकट फेयर है 40 रुपीज़ एडल्ट का आपको यहाँ पे, और चाइल्ड का 20 रुपीज़, फोटोग्राफी कैमरा के लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइज। वैसे इसका टाइमिंग 9:30 से ये 1:30 बजे तक खुली रहती है। तो गाइज वहाँ पर आईना महल का डायरेक्शन है तो हम लोग आईना महल के लिए उधर से एंट्री करेंगे। तो चलिए आईना महल देखने के लिए चलते हैं। वैसे इस बिल्डिंग को आप प्राग महल को आप देख लिए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आईना महल का जो टाइमिंग है, विजिटिंग आवर्स जो है वो 9 बजे सुबह से 11:45 AM और 3 PM to 5:45 PM, यानी ये 2 शिफ्ट में ओपन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और थर्सडे ये क्लोज रहता है पूरी तरह से। और ये पुराने कुछ खंडहर बिल्डिंग। चलिए एक बार देखते हैं आईना महल का क्या फेयर है, अंदर जाने पे पता चलेगा। ये दोनों अटैच है समझिए, इधर आएंगे तो इस साइड आएंगे तो आपको प्राग महल मिल जाएगा देखने के लिए। वाकई डिसेंट लग रहा। और यहाँ पे ये सामने है आईना महल, तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे। चलते हैं आईना महल के अंदर और देखते हैं क्या है आईना महल में, आईना महल। तो फिलहाल एंट्री कर गए हैं आईना महल में। यहाँ भी सेम आपको कुछ मिलेगा, देखिए वहाँ पे कुछ
यहाँ पे कल्चर जो क्लॉथ्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आईना मॉल में देखिए, हो सकता है शूज़ वगैरह निकाल के जाने होंगे, क्योंकि देखिए बहुत से लोग अपना शूज़ वगैरह सब निकाले हुए, और अंदर जाने का कुछ फेयर वगैरह होगा, उसके बारे में पता करते हैं। चलिए तो बस आप बने रहे मेरे साथ गाइस, ये है आईना मॉल का प्रांगण। वैसे यहाँ भी कुछ फेयर हैं जो यहाँ पे मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रेट्स ऑफ टिकट्स, ओवर 10 ईयर्स पर हेड 20 रुपीज़, 5 to 10 ईयर्स पर हेड 10 रुपीज़, फोटोग्राफी 50 रुपीज़, फ्लैश ऑफ पर कैमरा हो या मोबाइल हो विदाउट परमिशन इट वुड बी फाइंड 500 रुपीज़। तो गाइस फिलहाल ये है तो बहुत इंटरटेनिंग और मस्त जगह, उसके लिए कुछ एडिशनल फ़ी भी पे करना होगा। कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। वैसे इधर कैमरा के लिए भी अलग पे करना होगा, और वहाँ पे चलेंगे यदि उस उधर चलते हैं, उस साइड चलते हैं, तो वहाँ भी एडिशनल पे करना होगा। कोई बात नहीं, पे करना है, घूमना है, आप लोगों को दिखाना है, तो उतना तो मैं कर ही सकता हूँ इजीली। और यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस फिलहाल ये एंट्री गेट है आईना महल का, और आगे सामने देख सकते हैं टिकट काउंटर भी है सामने, और यहाँ से आपका आईना महल शुरू होता है। वैसे आगे देखिए टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट ले सकते हैं। फिलहाल आ गए हैं आईना महल से बाहर, और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आईना महल से। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्किंग लॉट है, पीछे से देखिए कितना अद्भुत लग रहा है। ये बिल्डिंग है बहुत ही कम माल का, और पार्किंग के लिए पूरी जगह है। देखिए यहाँ पे गाड़ी बहुत सारी पार्क हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उधर से आके डायरेक्ट उधर से आपको आना है, और आने के बाद इधर लगा देना है। देखिए बहुत सारे उधर भी पार्किंग है, तो उधर अगर जगह फुल हो जाती है गाइस तो आपको इधर आके गाड़ी को पार्क करना होगा। और ये टेंपल देख सकते हैं, और वहाँ से गाइस सामने से मेन गेट है, तो वहाँ से मेन गेट से अंदर आ, देखिए ये गाड़ी आके पार्क हो रही है। तो गाइस फिलहाल अभी निकल गए हैं यहाँ से आईना महल से, और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। एक्चुअली ये गाइस भुज जो सिटी है वो उससे महज एक से 1.5 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है ये आईना महल, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है नहीं। अगर आप भुज सिटी से ऑटो वगैरह लेंगे तो 20 रुपये में आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।